What's up guys, hope you all are good and welcome back to another vlog. So guys, आज है 22nd June और आज है मेरा बर्थडे. वैसे तो मैं मेरे बर्थडे का व्लॉग नहीं खींचता, बट कल रात को एलन ने जो सरप्राइज दिया था, दैट वॉज रियली हार्ट टचिंग. अब ऐसा पहली बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है. ये तो हर साल मेरा बर्थडे नॉर्मल डे की तरह ही आके चला जाता है. मैंने वो वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला था, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो आपको मेरे आने वाले अपडेट्स भी पता चलेंगे. कल से मुझे अलग ही वाइब आ रहा है बर्थडे का, ऐसे लग रहा है कि बर्थडे है भाई, बर्थडे चल रहा है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल होटल और आई एम वेरी एक्साइटेड. तो एक्साइट है कि नहीं? यस ब्रो. इट्स नॉट अबाउट माई बर्थडे, तो वीडियो एंड तक देखो क्योंकि मैं ये वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ. अगर आपको भी आपका बर्थडे या फिर कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट करना होगा ताजमहल होटल में, तो वहाँ पे कैसे जाते हैं, बुकिंग से लेके जो भी है, मैं सब बताने वाला हूँ ये वीडियो में. वीडियो एंड तक ज़रूर देखें. और आपको मिलता हूँ मैं अभी डायरेक्ट ताजमहल होटल के बाहर. पहुँच गए हम लोग ताज होटल. आपको बाहर से दिखा था ताज होटल, वैसे तो देखा ही देखा. Happy birthday. Thank you. तो अभी हम लोग ताज के अंदर और हम लोग को जो सीट मिली है वो काफ़ी सही है. आप देख सकते हो पीछे गेट पे दिख रहा है और कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा. सीरियसली मतलब वर्थ है यहाँ पे आना एक बार. एक टाइम था हम लोग वहाँ पे नीचे बैठ के ताज को देखते थे बाहर से, और आज ताज के अंदर है. सही लग रहा है. एक्चुअली यहाँ पे ये लोग वीडियो निकाल ही नहीं रहे, पता नहीं, बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, इसके लिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं निकलवाया. बट यहाँ पे मैं अभी कॉर्नर वाली सीट मिली हम लोगों को, तो मैं थोड़ा छुप के वीडियो निकाल रहा हूँ. तो आपको थोड़ा टाइम में मिल के बाहर बताता हूँ क्या है कैसे. सो अभी हम लोग का खाके हो गया है, तो अभी हम लोग थोड़ा घूम रहे हैं पैलेस कैसा दिखते हैं. कैसा लगा? बहुत सही लगा, मतलब
लग्जरियस फील आ रही है। अभी तक तो नीचे से ही देख रहे थे लाज वाले लाज, अंदर जाके हम लोग ने लंच किया, बहुत ही मतलब एकदम मस्त फील। अब पीछे से तो पूरा खाली है, सही लग रहा है, ज़्यादा जोर से बात नहीं कर सकता। फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे जाके देखते हैं क्या है, आपको भी दिखाता हूँ। चलो फिर थर्ड फ्लोर से कुछ ऐसा व्यू है, ओके तो अभी हम लोग एकदम टॉप फ्लोर पे हैं। टॉप फ्लोर पे आपको व्यू दिखा रहा हूँ कैसा है। अभी इंडोर स्विमिंग पूल है ये मुझे अभी पता चला, सही है। तो ये है टॉप फ्लोर, देख सकते हो टॉप फ्लोर से ताज। तो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे आपको शॉप्स देखने मिलेंगे, मतलब बहुत सारे लाइक डियर के जो भी लग्जरियस ब्रांड है ना वो सब यहाँ पे है। मतलब अभी डियर का हम लोग को आप देख सकते हो सब लग्जरियस ब्रांड है यहाँ पे। सामने ही लुई विटॉन है, तो हम लोग अभी ताज पहले से निकल गए और ओमकार यहाँ पे बाहर गए। यहाँ पे एक बैचलर शॉप करके एक है, वहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, फर्स्ट टाइम था और काफ़ी मज़ा आया और अच्छा लगा। मतलब आप भी यहाँ पे अपने कोई स्पेशल डे रहेगा या अपने फैमिली के साथ या लव वन के साथ एक बार आ सकते हो एक्सपीरियंस करने के लिए। बाकी फूड तो बहुत ही एक्सपेंसिव था और एक्सपेंसिव रहेगा ही, क्योंकि वहाँ पे जो सर्विस थी उन लोग की और जो क्वालिटी थी वो काफ़ी सही थी और एकदम लग्जेरियस फील आ रहा था। जैसे मैंने एंटर किया वहाँ पे तो स्टार्टिंग का ही मैंने एंट्रेंस का वीडियो लेने की कोशिश किया, मतलब लिया ही था ऑलमोस्ट। तो वहाँ से एक उन लोग की सिक्योरिटी आई और मुझे वो वीडियो डिलीट करने बोला। तो वो एंट्रेंस वाला एरिया बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर आप कैमरा नहीं यूज़ कर सकते ना कोई वीडियो खींच सकते हैं। इवन आप अंदर भी अगर आपको कुछ शूट करना है, मैंने उनसे पूछा, परमिशन लिया कि मैं यूट्यूब पे लिए वीडियो बना सकता हूँ क्या, तो वो लोग ने नहीं बोला। यू कैन ओनली टेक पिक्चर्स बट आप वीडियो नहीं खींच सकते, बट मैंने थोड़े थोड़े शॉट्स लिए जितना मुझे ट्राई हुआ। तो यस ये एक है, अच्छा लगा, बर्थडे स्पेंड वेल। अगर आपको बुक करना होगा तो मैंने वहाँ पे पूछा, अगर आप वीकेंड्स पे आ रहे हो तो आप जहाँ पे हम लोग गए थे सी लॉन्च वहाँ पे छोड़ के बाकी सब जगह पे आपको बुकिंग करना पड़ेगा वीकेंड पे, और अगर वीकडेज पे गए तो आप वॉक इन जा सकते हो। और हम लोग वीकडेज पे गए तो वहाँ पे वॉकिंग था, बुकिंग सिस्टम नहीं थी। और अगर आपको विंडो साइड चाहिए तो उसके लिए बहुत रुकना पड़ता है, क्योंकि वहाँ विंडो साइड के लिए बहुत वेटिंग रहती है। ऐसा नहीं कि आपको वो लोग देंगे नहीं,
बट थोड़ा टाइम में आपको मिल जाएगा विंडो साइड, वो लोग शिफ्ट करके देते हैं। पैलेस के अंदर अलग अलग रेस्टोरेंट है, जैसे कि हम लोग सी लॉन्च में गए थे, यहाँ पे शामियाना बहुत सारे, आप उनके साइट पे देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं। सो अगर आपको कुछ डिटेल्स की ज़रूरत रहेगी तो मुझे मैसेज कर देना नीचे कमेंट में, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा जो मुझे पता है। और सो इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट। मिलते हैं अगली जगह पे नई वीडियो के साथ, टिल देन पीस आउट।